इजी विदाउट फोन भी है पॉकेट में। हाँ मैं फोन से कोई बिजनेस बोल रहा हूँ। निकालो छोड़ेंगे। नाइस इजी इजी रिलैक्स एडजस्ट करता हूँ विदाउट। वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, आज मेरे साथ तरुण है। तरुण 24 साल, कितने साल से? 30 ईयर्स का है। देखने में आपको लगता है 30 साल का है। क्या खाते हो या नहीं खाते हो? नहीं, बस प्रॉब्लम रहती है इतने ज्यादा तो खाना पीना नहीं हो पाता। ना, ना, तो क्या खाते हो? पानी पीते हो? नहीं नहीं खाता हूँ, मुश्किल से खा पाता हूँ क्योंकि डे टू डे लाइफ में ना आई एम सिटिंग ओवर हियर एंड आई एम कांस्टेंटली फीलिंग पेन इन वन साइड, सो फॉर दैट आई हैव टू एडजस्ट इट राइट इन दैट सेंस। और ऐसे करने पे क्या होता है, ये हाथ अपने आप ऊपर जाएगा, फिर इसमें से प्रॉब्लम होगी। डे टू डे लाइफ में ड्राइविंग में जैसे कार चला रहे तो ब्रेक ऐसे उसमें प्रॉब्लम होती है, वो नहीं होता। टाइपिंग करना तो कमांड पूरी प्रॉपर नहीं आ पाती फिंगर्स पे भी, ए दबाओगे तो एस दबेगा आपका, अब डायरेक्शन में ये सब चीजें हैं, ब्रश करने में प्रॉब्लम। तो मैं भी ये वीडियो बनाई इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपकी दिक्कत ऐसी है ताकि काफी सारे लोगों तक पहुंचे जो लोग इस दिक्कत से परेशान है। जैसे आप भी कितने साल से परेशान हो? मैं ये 3 to 4 years हो गए। और क्या क्या ट्रीटमेंट कर लिया, क्या यहाँ तक कैसे पहुंचे, और यू नो थोड़ी सी ताकि लोग अगर कनेक्ट करना चाहें कनेक्ट कर सकें। ट्रीटमेंट ऐसे मैंने इससे पहले अभी तक तो कुछ नहीं लिया, खुद से ही अपने आप से मैनिपुलेट कर रहा था क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से, तो मुझे लगा कि शायद से मैं खुद कर लूंगा। लेकिन ऑर्थोपेडिशियन के पास जाने, ऑर्थोपेडिक्स के पास जाने के बाद मेरा मन नहीं था क्योंकि मुझे लगा कि मतलब मैं प्रेफर कर रहा था कि मैनिपुलेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे और वो आपकी बातों को अच्छे से समझेगा समझेगा नहीं, मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, वो सीधा एक्सरे करेंगे, ट्रीटमेंट वो अपने हिसाब से कर देंगे। फिर मैंने क्रायोफैक्टर के बारे में देखा यूट्यूब वगैरह पे और गूगल पे सर्च करा ट्रीटमेंट, और वैसे भी मैं रिपोर्ट्स करता हूँ तो उसमें एक दो जगह मैंने रिपोर्ट्स देखी थी यूएस की, तो क्रायोफैक्टर ट्रीटमेंट, तब मैंने फिर उसके बाद सर्च करना शुरू करा। मैं सर्च करा तो फिर उसके बाद मैंने डेली में सर्च करा तो 2-3 सेंटर्स का नाम आया था, तो वो तो लकीली गया। आप आज मतलब बाकी सब जगह पहले एक कॉल करके एक दिन पहले विजिट करना होता है आपके पास, आपका देखा और सबसे टॉप पे आपका था, 4.8 स्टार्स भी थे, रिव्यूज भी अच्छे थे, तो फिर मैं आपके पास ही विजिट करा। ज्यादा समय रिव्यू देना भी होता है तभी जब किसी और को आपके जैसे को पता चले। हाँ बिल्कुल, अगर मैं ठीक हो गया तो उसके बाद तो नाम अगर ठीक नहीं भी हुए तो 1 स्टार देखे लोग कम से कम लिख तो सकते हो ना। हाँ जी हाँ जी, ये जरूरी थोड़ी है कि हर पेशेंट जो आएगा किसी भी डॉक्टर के पास सब ठीक होके जाएंगे, राइट ना। लेकिन कम से कम जो भी अच्छा है या बुरा है हम हर चीज को रिस्पेक्ट करते हैं ना, ताकि हम भी तो सीखेंगे, राइट। अगर आप नहीं आओगे और ट्रीटमेंट हो गया हमें कैसे पता चलेगा? यस राइट राइट। तो अब इसकी मैं टी शर्ट निकालने के लिए बोलूंगा ताकि ये हमको आपको अच्छे से और समझा पाए ताकि मैं इसको ट्रीटमेंट करने में हेल्प कर सकूं। मैंने इसको कन्विंस किया था कि ताकि ये कपिंग करा ले, ये थोड़ा सा हेजिटेंट था राइट कपिंग कराने के लिए, और मैंने इसको पूरा अश्योर किया कि बिल्कुल फिक्र मत करो, कपिंग के मार्क्स 4-5 दिन में अच्छे से चले जाते हैं और वो कोई हार्म नहीं करता। नीडलिंग भी हमने इसलिए की है ताकि अगर इसकी कोई भी मसल टाइटनेस है, क्योंकि काफी टाइम से ये परेशान है, वो टाइटनेस को मैं खत्म कर सकूं, और ज्यादा से ज्यादा जब ये एडजस्टमेंट करूं या इसकी प्रॉब्लम को मैं अंडरस्टैंड करूं तो मैं उसको आंसर दे सकूं या सबसे ज्यादा जस्टिफाई कर सकूं अपने आज के सेशन को। तो मुझे टी शर्ट निकाल के थोड़ा एक्सप्लेन करो कि कैसे क्या कर रहे हो। और वैसे इस चीज में ना एज अ बैठे हुए प्रॉब्लम होती रहती थी पब्लिक के लिए, जैसे मेट्रो में जा रहे हैं या कभी ऑफिस में बैठे हुए तो एडजस्टमेंट करते रहते थे, तो लोग जो ऑब्जर्व करते थे उनको लगता था सीजर्स अटैक टाइप भी हो रहा है, और जैसे मेरे को यहाँ पे हो रहा तो मैं ऐसे ऐसे करता था ऐसे ऐसे, तो जो देखने वाले होते हैं ऑब्जर्व कर रहे तो उनको लगता है सीजर अटैक पड़ रहा है, ये यहाँ पर ये पूरा बैक से यहाँ पे ये जॉ बोन जो आपके मैंडिबल पूरा यहाँ से ये दर्द होता था, आईज में क्या रेड हो जाती थी, आंसू से आने लगते थे। तो इसके स्पाइन में ही सारी टेंशन है, स्पाइन में ही दिक्कत है जिसकी वजह से इसके हाथों में, शोल्डर में, नेक में दिक्कत आने लगी है। स्पाइन में तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पाइन में आपको फील नहीं होगा कुछ भी, बट अगर कोई भी टाइटनेस होगी, कोई भी कंप्रेशन होगा तो बैक से ही होगा, राइट राइट है ना। जो आप रिप्स की बात कर रहे थे, आप जो नेक की बात कर रहे हो, आप अपने क्लेविकल की बात, हिप बोन की भी, पेल्विक गर्डल पूरा पूरा फ्रॉम टो टू टो चौक दिक्कत है। अब आप पहले लेते हो उस पर, मैं भी जरा एग्जामिन कर लू। और मैं जब पीछे से देख पा रहा हूँ तो हमें चेंजेस भी नजर आ रहे हैं,
देखिए इसके लेफ्ट साइड की जो रिब है इसके आसपास, ये क्योंकि बेंडी लेफ्ट साइड की तरफ करता है, यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा टाइट है, शेप ऊपर की तरफ उठी हुई है राइट साइड में जो कि ठीक है, और यही स्कैपुला भी देखिए लेफ्ट साइड में ये थोड़ा सा माइनर मसल वीकनेस है, और यही सारी चीजें हैं उसकी वजह से इसके सारा जो लंग्स का जो थोड़ा बहुत कंप्रेशन भी हो रहा होगा वो इसी तरफ होगा, क्योंकि ये ट्रीट करते हुए इस तरफ बेंड करके लेटता है। और जैसे मैं पीछे की तरफ देखूं, अगर मैं PSIS जॉइंट पे जाता हूं तो मुझे इसमें भी अनइवन पोजीशनिंग इन दोनों सैक्रिलेटिक PSIS जॉइंट की दिखने फील कर रही है। ये दोनों अलग ही लेवल पे हैं, लेफ्ट अलग लेवल पे है, राइट अलग लेवल पे है, और यही सारी चीजें इसके शोल्डर तक नेक तक जो इसको डिस्कम्फर्ट होता है, जो उसको प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीजें होती हैं। और इसके मैं लिम्ब लेंथ देखूं, जब ये एंकल की बात करता है तो लिम्ब लेंथ दोनों एक ही लेवल पे है, कोई लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी या किसी भी तरह की कोई चीज नहीं है। अब मैं अगर इसके अपर बैक को फील करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे एक यहाँ पे एक फाइब्रस बैंड नजर आ रहा है जो इसकी पॉस्चर की वजह से डेवलप हो गया है, जो इसकी बैक को रिस्ट्रिक्ट डेफिनेटली करता ही है, जो कि लेफ्ट साइड में नहीं है। देखिए मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं है, वजह से राइट में पकड़ता हूँ, ये बैंड है, फील हो रहा है है ना। तो ये भी इसकी शोल्डर मोबिलिटी, स्कैपुलर मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। उसी तरह से अगर मैं इस पोर्शन में जाता हूँ, मुझे यहाँ पे भी यही बैंड, फाइब्रस बैंड फील हो रहा है, जबकि मैं लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ कुछ फील नहीं हो रहा है ना। तो क्योंकि राइट साइड इसकी स्ट्रेस में है, टेंशन में है कंपेयर टू दी लेफ्ट साइड। अब मैं इसमें एडजस्टमेंट करता हूँ, एक्टिवेटर यूज करूंगा ताकि जॉइंट्स को और बेटर खोल सकूं। स्पाइन को फील करता हूं तो मुझे इस पोर्शन में थोड़ा सा डिविएशन सा फील हो रहा है, इसके आसपास थोड़ा सा इसका डिविएशन है, नीचे यहां से लेके पूरा स्पाइन बिल्कुल ठीक पोजीशन है, बट इसके आसपास मुझे थोड़ा सा टाइट या हल्का सा ट्विस्टेड फॉर्म में फील हो रहा है जो मैं पैल्पेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं पहले तो उसकी डोर्सल स्पाइन को एडजस्ट करता हूं, इजी करेंगे, छोड़ेंगे छोड़ेंगे सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, ओके नाइस इजी इजी। तो इसका सारा नाभी फील कर पा रहा हूं इसी पोर्शन में है जो ये बार बार रिब्स की तरफ इशारा करता है, सीधे लेके जोड़ा मुझे आपकी लोअर बैक मोबिलिटी देखनी है। एक पैर खोल रहा हूं, जाओ गर्दन नीचे रखो, तो बहुत अच्छी मोबिलिटी है, ये जाओ जाओ, फोन भी है, फोन भी है पॉकेट में, हाँ मैं फोन से कोई मैसेज बोल रहा हूँ, निकालो पूरा है, थोड़ा सा डिफरेंस है टाइटनेस से, बट उसको हम नॉर्मल मोबिलिटी ही डिस्कस करेंगे। मैं तो टर्न करूं, और ये स्टर्नम की भी प्रॉब्लम बता रहा था, तो स्टर्नम की प्रॉब्लम का हमें कारण पता चल गया है, क्योंकि ये चीजें यहाँ से टाइट हैं, जब तक कि ये नहीं खुलेंगी स्टर्नम और चेस्ट का एक्सपेंशन नहीं होगा। ये हम काफी पेशेंट्स में देखते हैं, हम शायद आगे आने वाले टाइम में एक दो पेशेंट्स हमारे पास और आ रहे हैं, उनके साथ वीडियो बनाएंगे। कितना ज्यादा स्ट्रेन्ड है, इनफैक्ट ये काफी हद तक सेक्रलाइजेशन की तरफ जा चुका है, और लेफ्ट में मैं बाद में देखता हूँ। अगर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ ब्रेक आउट, ये भी बहुत टाइट है, टर्न करेंगे सर, नीचे शोल्डर आगे गर्दन को
रखो। ओहो, ये तो उससे भी ज्यादा टाइट है। इजी, विदाउट सीधा ले जाओ। अब फिर टांग उठाओ ऊपर, फील करो। ठीक है, ये उठाओ। आ गया। अब मैं इसकी फिंगर्स को देखूंगा, रेस्ट को देखूंगा, एल्बो को देखूंगा। एल्बो टाइट है। इसकी सारी प्रॉब्लम ये मानता है या नहीं मानता, कंप्यूटर काम करने की वजह से वो कुछ ज्यादा ही पहले पड़ रहा है, इसलिए इसकी दिक्कत बढ़ती जा रही है। ज्यादा काम कर रहे हो? नहीं नहीं, सेटिंग नहीं है, सेटिंग में मोस्टली टू टू थ्री ये पहले से प्रॉब्लम है। अच्छा, अब मैं इसका इजी अब मैं इसका पहले नेक का वाई एक्सिस करूंगा कि कोई भी अगर वाई एक्सिस में टाइटनेस है डोर्सल स्पाइन नेक अपर नेक के आसपास, मैं उसको और ज्यादा रिलीज कर सकूं। अपने फीट नीचे लगा लूं ग्राउंड में, पूरा नीचे लो एडजस्टमेंट देखा है। इजी, ब्रीथ आउट। आप देखिए नेक के पास फोकस रखें, इसके नेक कितना रिस्ट्रिक्टेड है। इजी, मैं धीरे धीरे जेंटल फोर्स लगा रहा हूं ताकि फोर्स और ज्यादा डीप डोर्सल तक जा सके। आप देखिए मैं बहुत हल्के से कर रहा हूँ, तब भी इसके चेस्ट के आसपास फ्लोटिंग रिब जो ये कह रहा था उसके आसपास पुल फील हो रहा है। करो इजी, रिलैक्स करेंगे। इजी, ब्रीद आउट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, ब्रीद आउट। नाइस, कम ऊपर ले जाएंगे। जितना खुलना था खुल गया, बहुत ज्यादा डोर्सल के आसपास जो इसकी सबसे ज्यादा दिक्कत है वो बची हुई है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा सेशन के लिए बोला है। बट अनिल टाइम में आई एम श्योर और इसका बेटर खुलेगा। कैसे फील हो रहा है? रिलैक्स। आप जब भी ऐसे पोजीशन में ऐसे करके देखते हो, हम इसको देखते हैं, छोड़ दो, रिलैक्स करके आप नीचे करो, इस पोजीशन में नहीं करते ऐसे। इजी करो, गर्दन ऊपर करो। थोड़ा सा जो बैक से जो मैंने बताया था आपने सबने देखा होगा, रिब्स के आसपास जो टाइटनेस थी वही इसके प्रेशर इस पर दिखाई दे रहा है। देखिए सामने लेफ्ट राइट और लेफ्ट, ये थोड़ी सी ज्यादा परमानेंट है क्योंकि पीछे से ये दिखा, जब ये रिलैक्स हो जाएगा पीछे से तो ये भी अंदर चला जाएगा, है? लेकिन जब भी आप ऊपर करके अपनी टी शर्ट करते हो तो आप अपना एंगल चेंज कर लेते हो, इसलिए आपको अपने से ज्यादा लगेगा बजाय दूसरा वाला सामने से दिखेगा, है ना? तो वो चीज डिफरेंस रहेगा। So, viewers को last word बता दो, कैसा experience है तुम्हारा? The experience was nice, pretty much relaxed. जो proper tension थी, problem थी, उससे काफी अच्छा आराम है। सर ने बोला है कि अभी दो तीन सीटिंग सॉल्व लगेंगी, तो most probably I am hopeful that sir will. हाँ, ये will be sorted. मुझे यानी कि दिक्कत है, but ऐसा नहीं कि हमने इससे पहले ये दिक्कत नहीं देखी है या नहीं जानते हैं, बहुत अच्छे से treat किया है और सारे सारे लोग treat हो जाते हैं। So, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और ज्यादा तक लोगों तक इन्फॉर्मेशन पे पहुंचाए हम, और आप दोनों ही मिलकर बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। सो थैंक।